स्टोर 99 अगर आपने आज तक नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी जगह होती है जहां हमें एक ही छत के नीचे हमारी ज़रूरत का सारा सामान सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि वहां चीज़ें सिर्फ आपको 99 रुपये में मिलेंगी, पर हर अमाउंट के पीछे एक 99 जुड़ा होगा। सपोज़ दैट 199 या फिर 299 या फिर 399, वो जो चीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग लास्ट में 99 ऐड होगा और उसके आगे के अक्षर उसके अकॉर्डिंग होंगे। जैसे अगर हम छोटे मोटे टब की बात कर लें जो कि प्लास्टिक का होता है और हमारे बाथरूम वगैरह में यूज़ होता है, तो वो चीज़ आपको सिर्फ 99 में मिल जाएगी। उससे ऊपर की अगर हम बात करें, जो बच्चों की साइकिल होती है 3 पहिए वाली, उसकी बात करें तो वो 899 या 999 उस साइकिल की जो कीमत होगी उसके आधार पर होगी। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर आपसे बारगेनिंग नहीं करता है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, बट फिर भी वो बिकेंगे क्योंकि वहाँ कस्टमर आपसे बारगेन नहीं करेगा, तो वहाँ आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं और उनको आप 99 रुपये में बेचते हैं, तो वहाँ पर भी कस्टमर वो ख़रीदेगा, बारगेन नहीं करेगा, मतलब वहाँ पर भी आपको आराम से प्रॉफिट मिल जाने वाला है। तो यहाँ पर ज़्यादा सिरदर्दी नहीं होती है अगर आप एक 99 स्टोर खोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे स्टोर 99 शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कितनी अर्निंग कर सकते हैं आप, साथ ही साथ इसमें अगर आप माल खरीदना है तो कहां से खरीदेंगे, और भी कई सारी चीज़ें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, टोटल 6 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप एक स्टोर 99 शुरू करते हैं तो मैं बोलूँगा कि आपको एक बेहतर लोकेशन में से शुरू करना चाहिए। और वो बेहतर लोकेशन क्या हो सकता है? देखिए, एक ऐसा मार्केट होना चाहिए जहां से लोग अगर आसपास निकले तो उनको दिखाई दे कि हाँ, 99 रुपये में प्रोडक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आना पसंद करेंगे अगर आप स्टोर 99 का बोर्ड बाहर लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं और एक चलती बाज़ार में इसे रखते हैं। वहीं अगर आप एक सुनसान एरिया में रखते हैं तो बहुत कम लोगों को पता रहेगा, जिसका कारण ये होगा कि आपके पास कस्टमर ज़्यादा नहीं आ पाएंगे और जो स्पेस होगा वो कम से कम आपका 200 से 500 स्क्वायर फीट तो होना चाहिए, क्योंकि स्टोर 99 में सिर्फ एक दो उत्पाद नहीं, बहुत सारे उत्पाद होते हैं। तो इतना माल आपके पास भरने के लिए इतना स्पेस भी होना चाहिए, तो कम से कम 200 से 500 स्क्वायर फीट ज़मीन तो आपके पास होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पर अगर आप एक स्टोर बनवा रहे हैं तो उसके इंटीरियर पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका जो इंटीरियर होगा उसमें अच्छी स्लॉट्स लगवाइएगा जिसमें आप चीज़ों को, उत्पादों को रख सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको अपने स्टोर के अंदर एक CCTV कैमरा लगाना चाहिए। अगर आप CCTV कैमरा लगाते हैं तो आप किसी भी तरीके की गतिविधि पर नज़र रख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके स्टाफ की गतिविधि हो या फिर कोई कस्टमर की गतिविधि हो, कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट उठा रहा है, कौन सा खरीद रहा है, कौन सा लेकर जा रहा है, किसके पैसे दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान आप CCTV कैमरे के मदद से रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके स्टोर के लिए। साथ ही साथ अगर आप एक 99 स्टोर शुरू करते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह आ जाता है कि आप इसे अकेले नहीं संभाल सकते, तो इसको संभालने के लिए आपको साथ ही साथ एक स्टाफ की ज़रूरत भी पड़ेगी जो कि आपकी हेल्प कर सके। और सिर्फ एक स्टाफ नहीं, कम से कम 2 स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे और उन कस्टमर्स को मैनेज करना आपके अकेले की बस की बात नहीं, प्लस आपका जो कैश काउंटर होगा वो भी बिज़ी रहेगा। तो यहाँ पर देखना भी पड़ेगा कि किस कस्टमर को क्या सामान चाहिए और कैसे उसे मिलेगा, तो उसके लिए आपके पास कम से कम आपके साथ 2 स्टाफ और होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर 99 स्टोर खोलने में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर आप खुद का भी एक 99 स्टोर खोल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप किसी 99 स्टोर की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ आपका सुपर 99, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया में स्टार्ट हुई और इंडिया में अभी 99 स्टोर की फ्रेंचाइजी देती है। इनके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 99 से रिलेटेड हैं, जिसका नाम होता है सुपर 99। तो अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे मैं बोलूँगा कि अगर आप खुद का बिज़नेस करते हैं तो ये इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर आपको बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कराना है शॉप एंड एस्टेब्लिश एक्ट के तहत, साथ में आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना भी ज़रूरी है। आपके पास GST नंबर होना चाहिए आपके बिज़नेस का, ताकि आगे जाकर फ्यूचर में आपको बिज़नेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके अपने बिज़नेस को करते समय। पॉइंट नंबर 5, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि आपके पास प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, माल कहाँ से आएगा अगर आप एक 99 स्टोर शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं, या तो आप उन सारे सामानों की लिस्ट बनाएं जो आप बेचना चाहते हैं अपने स्टोर के अंदर, उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला
वाला है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा कि आपको एक एक होलसेलर को खोजना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट का होलसेलर कहाँ मिलेगा, उस प्रोडक्ट का होलसेलर कहाँ मिलेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आपके शहर में अगर कोई ऐसा सप्लायर है जो 99 स्टोर के लिए प्रोडक्ट सप्लाई करता है, तो आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि वो कहाँ पर है, तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो नियरेस्ट सिटी है, आपके आसपास में जिस भी सिटी में स्टोर 99 है, आप वहाँ पर जाकर उस सिटी का जो होलसेलर है उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उससे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। तो सपोज दैट आपने एक 500 स्क्वायर फीट का जो रूम है वो देखा है किसी सिटी के अंदर। अब उसका जो आप रेंट देते हैं वो पर मंथ का आपका 20,000 हो जाता है, अप्रॉक्स मान के रख लीजिए। बट यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट होगी वो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ प्रोडक्ट्स को भरने में। इसके अलावा आपके स्टाफ का खर्चा जो होगा, आपके रूम का रेंट होगा, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम मिलाकर देख ले तो आप यहाँ पर 10 से 12 लाख पे समथिंग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब जाकर आप एक स्टोर 99 शुरू करेंगे। अब इसमें प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट आपके ऐसे होते हैं यहां पर जो आपको 30 से 40 रुपए के मिलेंगे और उनको आप 99 का बेचोगे, एंड कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको 70-80 के मिलेंगे, उनको भी आप 99 का बेचोगे। तो कुल मिलाकर यह है कि यहां पर आपसे कोई बार्गेन नहीं करने वाला है। डिपेंड करता है कि आपके किस टाइप के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और उससे आप कितनी अर्निंग कर पा रहे हैं। बट एक ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एक स्टोर 99 वाला किसी अच्छे सिटी में अगर काम कर रहा है, अच्छे सिटी में उसकी शॉप है और बेहतर चल रही है, तो वो एक दिन का 3 से 5 हज़ार रुपये तक कमा सकता है। ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप एक स्टोर 99 स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।